के सस्पेंशन का आपको ऑर्डर मिला है, क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो सस्पेंशन का ऑर्डर, यह पूरी तरह से गलत है और गैर जिम्मेदाराना है। जिस जिस बिंदुओं पर रख के सस्पेंशन किया गया है, निलंबन किया गया है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ ही नहीं। जैसे कहीं वाटर लॉगिंग है, तो वाटर लॉगिंग वहाँ एक गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चलते वहाँ नाला जाम है। उसके ऊपर पीएसएम विभाग में जो शौचालय है उसका पाइप टूटा हुआ है, जिसको बनाने के लिए बीएमआईसीएल को हम लोगों ने कई बार लिखा है, मौखिक रूप से भी कहा है, लेकिन वे काम करते नहीं। दूसरा कि कहीं नल टूटा हुआ है बाथरूम में, तो उसका भी रख रखाव बीएमआईसीएल को ही करना है, जो एक सरकारी संस्था है। तीसरा, अगर कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है, तो ड्रग हम वही अपने मरीजों को दे पाते हैं जो हमारे यहाँ बीएमआईसीएल सप्लाई करती है, और जो ड्रग घटता है उसकी मांग हम उनसे करते हैं। अगर वह समय पर ड्रग नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दवाइयों को मरीजों को देना संभव नहीं है, इसलिए कि अधीक्षक के पास इतना फंड नहीं होता है कि हम अनाप शनाप ड्रग खरीदते रहें। 700 मरीज लगभग भर्ती रहता है यहाँ एवरी डे, और 700 मरीज को एवरी डे 100% ड्रग सप्लाई करना, यह अधीक्षक के बस के बाहर बात है, जब तक कि उसको बीएमआईसीएल समय पर और प्रचुर मात्रा में नहीं दे। ठीक है, इसके लिए भी देखिए, डिप्टी सीएम ने कहा था कि यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर है, हमारे यहाँ कहीं भी कोई गंदगी नहीं थी जो अब उन्होंने परिभ्रमण किया। मेडिसिन परिसर में सर, आप सामने कैमरे में हमारे विजुअल है सर, गंदगी थी सर परिसर में, हो सकता है हो, लेकिन वार्ड्स में कहीं गंदगी नहीं थी, है ना, वार्ड्स में कहीं गंदगी नहीं थी। जहां हम लोगों ने जहां जहां भी हम लोगों ने घूमा वहां गंदगी नहीं थी। और सपोज है कि कहीं पर वो हम वार्ड से पानी निकालने के लिए टुल्लू पंप वहाँ हर वार्ड में लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो कवर रखा हुआ है उसको भी ढकने का काम बीएमआईसीएल का है। तो जो खुला हुआ था सर, वो खुला हुआ था, तो क्या सुपरिंटेंडेंट उस पर सो जाएगा? उस पर बीएमआईसीएल को ढकना है, एंड दिस बीएमआईसीएल इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई नॉट इट दे आर वर्किंग। और जो भी वो काम करते हैं उसकी संपुष्टि अधीक्षक के द्वारा नहीं की जाती है। डेवलपमेंट एंड जो इस तरह का जो काम जो बीएमआईसीएल के द्वारा होना है, सरकार के द्वारा कराया जाना है ना, वो सुपरिंटेंडेंट नहीं करेगा। सुपरिंटेंडेंट नाला नहीं साफ करेगा, है, सुपरिंटेंडेंट एक प्रोफेसर है, वो एक सीनियर ऑफिसर है, वो कहेगा जिस एजेंसी को आपने कहा है कि भाई आप यह काम कीजिए, अगर वो एजेंसी काम नहीं करती है तो वो एजेंसी का फॉल्ट है, एक्शन उस पर होना चाहिए, ना कि अधीक्षक पर, कि अधीक्षक को सस्पेंड कर देने से क्या वो नाला बन जाएगा? ये नहीं बन सकता है। उसके लिए आपको कॉरपोरेशन को लिखना होगा, उसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लोगों को कहना होगा कि आप इस तरह से काम करिए कि वो नाला जाम नहीं हो सर, तो इस चीज़ को देखना होगा। तो क्या सर फिर से आप ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे सर? अभी तो मुझे निलंबित किया गया है, तो मैं स्वास्थ्य विभाग में जाकर ज्वाइन करूंगा, और निलंबन खत्म होने के बाद मैं विचार करूंगा कि बिहार सरकार की नौकरी की जाए या नहीं की जाए। मुझे यह लगता है कि बिहार सरकार में नौकरी करना सम्मान के विरुद्ध है, और जब मेरे जैसे सीनियर प्रोफेसर को यह सरकार सम्मान नहीं दे सकती है, तो आम डॉक्टर्स का क्या सम्मान देगी, ये भगवान जानता है। सर पिछले बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आपको इस तरह कर दिया, कैसा? यह जो है यह बहुत ही दुखद है कि जिस समय मुझे 3 बार कोरोना हुआ इस कोरोना काल में, और जब पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ था कोविड के चलते, उस समय मुझे कार्यभार दिया गया था, और उसको हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, उसको बड़ी मुस्तैदी और मेहनत से उसको संभाला था। दिन रात जिस समय की काफ़ी था, उस समय लगभग हम लोग 2-4 घंटा भी नहीं रात में सो पाते थे, 24 घंटा घंटी बजती रहती थी फ़ोन की, तो काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया था। तो मेहनत करना तो अच्छी बात है, हम लोगों के का ड्यूटी है, उसके लिए हम नहीं है, बट दिस गवर्नमेंट हैज़ गिवन रिवार्ड देने के बदले पनिशमेंट जो दे रहा है ना, दिस इज़ वेरी डिस्करेजिंग, और यह एकदम घृणात्मक बात है। और मैं नहीं समझता कि जो भी कारण से मुझे कह के कि सस्पेंड किया गया है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यह व्यवस्था जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने आपको गिफ्ट के तौर पर सस्पेंड दिया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता, मैं इस पद पर कभी आना नहीं चाहता था,
इसके पहले श्री माननीय मंगल पांडे जी थे, जिस दिन मेरी यहाँ नियुक्ति हो रही थी उस दिन भी मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके उनको कहा था, मैसेज किया था कि आप हमको मत बनाइए, ठीक है। मैं प्रत्यय अमृत जी को भी उनके चैम्बर में जाकर अपने प्रिंसिपल और अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट सरोज जी के साथ मैंने हाथ जोड़ कर कहा था मेरे नियुक्ति के 3 महीना बाद कि आप हमको इस पद से हटा दीजिए। लेकिन हटाने का मुझे तो ये पद चाहिए ही नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि आप हमको ये पोस्ट दीजिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हटाया है यह बहुत ही निंदनीय है, घृणात्मक है एंड यह एक बहुत शेमफुल एक्ट है। मतलब सरकार अपनी कमी को छुपाने के लिए एक्शन ले। एग्जैक्टली, आप अपना अंतर जो अपने अंदर झांकिए कि क्यों ऐसा है। अगर इस किसी एक गड्ढे में जहां टुल्लू पंप लगा हुआ है उसमें अगर 2 लीटर पानी है उसके लिए तो आप परेशान हैं, लेकिन यह 125 एकड़ का यह लैंड है जिसमें कि मैक्सिमम जगह पर वाटर लॉगिंग है और वहां पर मच्छरों का प्रजनन हो रहा है। यह सामान्य ज्ञान है कि मच्छर के प्रजनन से ही इस डेंगू का विकास होता है, मच्छर के काटने से ही होता है। तो जो मच्छर को ना मारो, किंग जो है मात्र 750 बेड के लगभग है, उस दिन 691 पेशेंट भर्ती था, तो या तो मैं और मरीजों को रोड पर मरने के लिए छोड़ दूं, है कि नहीं भाई, डेंगू को वार्ड है हमारा 30 बेड है लेकिन 20 को मरीज रहेगा, 10 को हम खाली रखेंगे, है तो ऐसा थोड़े होता है। दुनिया के हर अस्पताल में डेंगू के साथ नॉन डेंगू पेशेंट भी रखा जाता है और डेंगू से डेंगू के मरीज को नहीं पटता, मच्छर के कॉमन बाइट से पटता है। कारण क्या बताया गया आपको? कारण तो आप पत्र में पढ़ लीजिए कि क्या क्या कारण है, अनुमती क्या है, अनुशासनिक क्या कहते हैं, सरकारी आदेश का पालन नहीं करना, तो कार्य में अक्षमता है ना। अगर मैं अगर अक्षम हूँ तो इस धरती पर कोई भी इंसान डॉक्टर के रूप में सक्षम नहीं है, मैं इतना आपको कह देता हूँ। मैं जितना काम करता हूँ आज भी वो ऐसा 99.9% डॉक्टर्स नहीं कर सकता। क्या भविष्य में सर वॉलंटियर ये क्या करेंगे, दैट आई विल सी, बट इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग एंड डिस्करेजिंग एंड सेंसिबल एंड जो प्रेस्टिजियस डॉक्टर शुड नॉट कंटिन्यू विद दिस डिपार्टमेंट, दैट आई कैन से।